तमाम महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं प्रोटेस्ट के लिए, क्या है ये प्रोटेस्ट, क्या मांग है आप लोगों का? देखिए, हम लोग यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ पे जितनी भी औरतें आई हैं, आप उन सबको देखो, वो कोई खाली औरतें नहीं है, सब कुछ हाउस वाइफ्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग अपनी पढ़ाई छोड़ कर आए हैं, कुछ अपने घर बार अपने बच्चों को छोड़ कर आए हैं, क्योंकि आज हम लोग मजबूर हो गए हैं कि हमें ये स्टेप उठाना पड़ा है कि हमें गली मोहल्लों में घूम कर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हमारा कोई शौक नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करें या गली मोहल्लों में घूमें या नारे लगाएं या कुछ भी इस तरह का कुछ भी करें, लेकिन बस और मुद्दा ये भी है कि प्रोटेस्ट करना या फिर अपनी बात को रखना, इस चीज़ का हक हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हमें इस चीज़ से कोई रोक भी नहीं सकता है कि हम अपनी बात को रखें या हम पीसफुली प्रोटेस्ट करें, ठीक है। सेकेंडली, कमिंग टू आवर मोटिव, किस वजह से हम लोग ये प्रोटेस्ट करें, ये प्रोटेस्ट ये है कम NRC, ये दो चीज़ें जिसको आज हमारी गवर्नमेंट जो है कुछ हद तक हमें गुमराह करने के लिए कहती है कि CA जो है वो सिटीजनशिप देने के लिए है, पर मैं ऐसा कह रही हूँ, लोग ऐसा कह रहे हैं, जो हमारे पढ़े लिखे हमारे जो कंट्री का जो पढ़ा लिखा पॉपुलेशन है वो ऐसा कह रहा है कि ये हमें सिटीजनशिप नहीं देगी। CA के साथ साथ जुड़ा हुआ है NRC, ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं बनता इस आइडियोलॉजी में, कोई लॉजिक नहीं है। आप कहते हो कि आप एक तरफ से हमें सिटीजनशिप दे रहे हो, बाहर से लोगों को लाके आप सिटीजनशिप दे रहे हो, और आपके खुद के घर के जो लोग हैं उनको आप NRC के रजिस्टर में ना इंक्लूड करके आप उनसे सिटीजनशिप ले लोगे, मतलब कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास और भी मामले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारी जो कंट्री है वो गुजर रही है। हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो गरीब है, उनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। सर्द के मौसम में 31 दिसंबर की नाइट पे जब लोग पार्टियां कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल्ली में ओवरब्रिज के नीचे बिना कंबल के बस ठिठुर के बैठ के बस किसी तरह से अपनी रात गुजारते हैं। सरकार को क्या वो लोग नहीं दिख रहे? सरकार को वो दिख रहे हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग इस चीज़ से जो माइनॉरिटीज़ हैं जो वहाँ जिनको सरकार बुला रही है नागरिकता देने के लिए, सरकार को उन लोगों की तकलीफ दिख रही है। सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि वो कैसे उन गरीबों को कैसे उनको घर दे, कैसे उनको खाना दे। 1600 करोड़ रुपये सरकार ने बस खर्च कर दिए NRC असम में लाने में, सिर्फ एक स्टेट में NRC लाने के लिए आपने इतना खर्च किया। आप उन पैसे का अपनी जो कंट्री में जो भी चीज़ बिगड़ रही है, आपको वो देखना चाहिए पहले, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं आप उनको देखिए, आप नए नए मुद्दे लाके। ये जो प्रोटेस्ट है ये कब तक चलेंगे और आप लोग? ये प्रोटेस्ट फिलहाल तो हमें कल तक की परमिशन है, कल तक चलेगी। क्या नाम हुआ? कल तक नाम, मेरा नाम आलिया जानब। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, कल भी मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि आप प्रोटेस्ट यहाँ कर रही हैं, इतनी ठंडी है, इतनी ठंडक है, इतनी सर्द हवाओं का आप कैसे मुकाबला करें। तो मैंने ये कहा था, सत्याग्रह में गांधी जी जो बैठते थे वो एक चादर लेके बैठते थे, मेरे पास तो गर्म स्वेटर है और चादर भी है, ये बात मैंने कही। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ आई हूँ अपने डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की। डेमोक्रेसी का मतलब है द गवर्नमेंट, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इन्हीं तीनों चीज़ों की हिफाजत के लिए हम गैर महफूज हो रहे थे, हमारे हकूक़ को पामाल किया जा रहा था, कभी NRC के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी ये क्या है CAA के नाम पर, हमें हमारे जब्त तो सब्र का पैमाना नापा जा रहा है। जब हमारे सब्र जब्त का पैमाना लबरेज हो गया तो हम यहाँ आ गए। इन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी हम कैसे बचाएं, बेटी तो तुम पामाल कर रहे हो, कभी जामिया में कभी अलीगढ़ में, हाँ बेटी बचाओ का हमारा सबूत है, हमने सबूत दे दिया कि हमने बेटी बचा ली, उसको शिक्षित कर दिया। दूसरी बात ये हमने कहा, आज मैंने कल भी एक तराना गवाया था अखबार का और आज भी गवा रही हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और एक मेरा अपना शेर है, एक अज़्म नया लेकर आकाश को छू लेंगे, भारत का हसी दामन तारों से सजा देंगे, ये मेरा अज़्म है और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मैं एक सेकुलर खानदान से आई हूँ और मैं हमेशा ऐसे ही करती रहूँ, मेरे ज़्यादा ताल्लुकात हमेशा ससुर हैं, कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं हिंदू से मिल रही हूँ या मुसलमान से मिल रही हूँ। मेरी एक सोसाइटी थी,
मेरी एक सोसाइटी थी जिसके तहत मैं काम करती थी और उसमें मैंने कभी ये भेदभाव नहीं किया, मजहब नहीं सिखाता, आपस में भेद। आपका नाम? मेरा नाम है संजीदा नाजमी सैयदी।